लॉन्ड्री लिस्ट है। अरे आगे अच्छा मैं टोटल 1000 से कम यूज नहीं कर रहा, चेक कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर दिया ना आपको, चेक कर रहा हूँ, 1000 से कम टोटल यूज नहीं कर रहा हूँ, नकली है, नकली। मैं भी दे रहा हूँ, बैंक के कौन सी ब्रांच है वो पूरी सारा एक हजार से कम हमारे पोर्टल में एक नाम होगा तो हम सब आई टी छोड़ो, ये नकली है, मेरे इसको जारी करो, नकली है, इसका असली बिल हो मेरे पास, असली बिल वो मोबाइल देना मेरा वाला, इसके अंदर असली बिल देखो कैसे फेक एडिट किया, यही वाला मैं बताता हूँ, बताओ क्या हो रहा है आजकल, इतना जो है ना आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, एक बार आप लोग तो कंफ्यूज कर रहे हैं, एक बार और बार और आज तो वो हमारे प्रधानमंत्री ने वैसे भी इतना बढ़िया कर दिया, क्या बात कर दी उन्होंने, तो पूरा इतनी रिसर्च की है और इतना उन्होंने अभियान किया, क्या बात है, इसरो तो उन्होंने ही बनाया था, ला तो भाई कहाँ है, अरे दे रहा हूँ वो मैंने जारी करी थी उसको मैं निकाल के दे रहा हूँ, सारी फैक्ट जारी करते रहे, वही होता बैठ के चाय पी लीजिए, फैक्ट्स जारी करते हैं, आप लोग फैक्ट कर रहे हैं, हम लोग फैक्ट्स दे रहे हैं और ये यथार्थ है, हकीकत है, इसमें मोबाइल नंबर भी आप टेली कर सकते हैं, किसानों का मोबाइल नंबर है, आपको लगता है किसानों को फोन करें, किसान का माफ भी हुआ, एक का भी सिग्नल, ये देखो जो आप सर्टिफिकेट बता रहे हो उसको कैसे फेक बनाया, आप इसको देखते जाना ऊपर, उसका नाम भी वही है लेकिन राशि कैसे 5000 एक को बदल के 500 रूपए करिए, मैंने मान ली 5000 आपकी बात मानी मैंने तो जी, मैं 500 कह नहीं रहा 5000 जी, मैं बात कर रहा हूँ, आपने दिखाया मैंने आपका माना कि 5000 माफ हुआ, मैं कह रहा हूँ 2 लाख क्यों नहीं माफ हुआ, इतने सारे आप दे नहीं पाओगे, पूरी सरकार लग जाएगी तो। गोपाल भार्गव पहले निरंतर बयानबाजी कर रहे थे, कांग्रेस ने एक भी किसान का 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं किया, यदि किया हो तो बताएं हम, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, हमने उसी समय उनके घर 2 लाख तक के कर्ज माफी वाले किसानों की सूची भेज दी और उनसे आग्रह किया कि अपनी घोषणा के अनुरूप राजनीति से संन्यास लें, लेकिन उस दिन से वो कर्ज माफी पे मौन है, कुछ भी नहीं बोल रहे, संन्यास ले रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी जो प्रदेश के कद्दावर नेता है, भाजपा के पूर्व मंत्री है, निरंतर बयानबाजी कर रहे हैं कि कांग्रेस की कर्ज माफी छलावा है और एक भी किसान का 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं हुआ, यदि हुआ तो बताएं मैं अपने पास से 2 लाख नकद दूंगा, ये पूर्व में भी दोहरा चुके हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शाम को उन्होंने दोहराया, हमने तुरंत किसानों की सूची निकाली, अब किसानों की सूची तो लाखों में थी जिनका 2 लाख तक का कर्ज माफ किया, लेकिन हमने सोचा नरोत्तम मिश्रा जी विपक्ष में इतनी राशि वहन कहां से करेंगे, इतने पैसे कहां दे पाएंगे, तो हमने उसको शॉर्ट करा और करीब 150-200 किसानों की सूची लेके सैंपल के तौर पर उनके पास आए, इस सूची के अंदर किसानों के नाम है, बैंक का नाम है, बैंक का अकाउंट नंबर है, उनके मोबाइल नंबर है, कितने की राशि उनके खाते में डली, सारे प्रमाण है और सारे प्रमाण हमने नरोत्तम मिश्रा जी को सौंप के उनसे मांग करी कि अपनी घोषणा के अनुरूप इन किसानों को 2-2 लाख रुपए नगद दें, तब तो आपकी घोषणा पूरी होगी, और हमारी घोषणा छलावा नहीं है, हमने 22,84,000 किसानों का कर्ज माफ किया और आचार संहिता के बाद 50 लाख तक का कर्ज माफ करके बताएंगे, कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, और हमारा उनसे आग्रह है कि हम तो राशि लेने आए कि राशि दे दें, लेकिन शायद इतनी बड़ी सूची देख के नरोत्तम मिश्रा जी को ट्विस्ट लाने के चक्कर में अपनी घोषणा में अब देखते हैं कि राशि देते हैं कि नहीं।